हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभि गुरु ज्ञान। आइए बनाएं अपनी पहचान। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज मैं बता दूं कि आज मैं दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। पहला टॉपिक है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नंबर सिस्टम के जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सारे निकाल के ले आया हूं, तो इनकी बात करेंगे। इसके साथ साथ जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पूरा रिविजन भी करवा दूंगा नंबर सिस्टम का। उसके साथ ना दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूट्यूब से पढ़े कैसे, क्या यूट्यूब से पढ़े कैसे। आगे की वीडियो बनाने से पहले है कि मैं अपने व्यूअर्स को यह बता दूं कि YouTube से पढ़ाई कैसे करते हैं। हर एक वीडियो के स्टार्ट में ना मैं कहता हूं, आइए बनाए अपनी पहचान, आइए बनाए अपनी पहचान। अरे अपनी पहचान ऐसी नहीं बन जाती है, अपनी पहचान ऐसी नहीं बन जाती। अपनी पहचान बनाने के लिए एक डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, एक डिटर्मिनेशन चाहिए होता है। जितने भी लोगों ने अपनी पहचान बनाई है, देख लो सर सचिन तेंदुलकर, सर विराट कोहली, लता मंगेशकर मैम, ये सारे लोगों ने कुछ स्पेशल किया है, अपने फील्ड में किसी काम को एक स्पेशल ढंग से किया है, तो आज जाके उनको सक्सेस मिली है और उन्हें अपनी पहचान बनाई है, उन्हें अपनी पहचान बनाई है। हमारा एम यही है, हमारा एम यही है कि हमको पढ़ना ऐसे है कि कोई भी क्वेश्चन, यदि जो हमने पढ़ा है उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का कोई भी पूछ ले, या तो एग्जामिनेशन में या हमारा फ्रेंड या हमारा रिलेटिव कोई भी पूछे, हम उसको आंसर करने में सक्षम हो, हम उसको आंसर करने में सक्षम हो। ऐसे पढ़ाई करनी है और उसको आंसर ऐसे ही नहीं करना है, उसको आंसर करके सेटिस्फाई करना है, उसको सेटिस्फाई करना है कि उसको लगे कि आपको वाकई इस पॉइंट पे नॉलेज है। हाँ, हमारा थीम यही है कि हमको इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना है, हमको इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना है, बल्कि हमको इंपॉर्टेंट बनना है। क्या? हमको इंपॉर्टेंट पढ़ना नहीं है, हमको इंपॉर्टेंट बनना है। और इंपॉर्टेंट बनने के लिए जो भी हमसे करते बनेगा हम करेंगे। अब बात करते हैं कि हमको यूट्यूब से पढ़ना कैसे है। यूट्यूब जब से आया है यह हमारे बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारा टीचर आ गया है हमारी जेब में। ये बड़ी अच्छी बात है, जब मन चाहे जब चाहे आप जो है ना अपना मोबाइल निकालो और पढ़ लो। लेकिन ये तो इसका पॉजिटिव साइन है, इसका नेगेटिव साइन भी है। ये आपको लेथार्जिक बना देता है, लेथार्जिक बना देता है। जैसे मान लो आप कोई वीडियो देखिए, अभी गुरु ज्ञान की वीडियो स्टार्ट की है, वीडियो लंबी है, आपने थोड़ी सी देखी, फिर लगा रहे ये तो है टीचर मेरे पास है ही, तो जो है ना जब मेरा मन करेगा तब जो है ना देख लेंगे। ये नहीं करना है हमको। यदि पढ़ना है तो पूरा का पूरा वीडियो जो है ना देखना पड़ेगा। और यदि आप YouTube से पढ़ने आए हो ना, तो आप जब भी वीडियो खोलो, जब भी जो है ना पढ़ने के लिए वीडियो खोलो, तो ऐसी मत खोलो, पहले लो कॉपी, पहले कॉपी लो, पेन निकालो, नोट्स बनाओ प्रॉपर। एक एक पॉइंट जो यहाँ पे लिखाया जा रहा है सब कुछ नोट करो, सब कुछ नोट करो। और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करो। मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ ही जो है ना आप क्वेश्चन बुक से सॉल्व करो, बुक से सीखो, यहां से सीखो, अपने आसपास से सीखो, पूरा सीखो। यदि पढ़ना है ना तो थोड़ा सा नहीं पूरा पढ़ो। ऐसे पढ़ो कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप उसको हवा में उड़ा दो। तो यूट्यूब से पढ़ना कैसे है? यूट्यूब खोला, जो टॉपिक पढ़ना है उसको खोला, उसके बाद कॉपी पेन खोली, पेन निकाला, उसके साथ नोट्स बनाया, उसके साथ यहां से सीखा, उस चीज को रिलेट किया अपने बाहर से जो देख रहे हैं, उसके बाद अपने बुक से पढ़ा। ऐसे पढ़ना है। हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। अरे पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, हमको इंपॉर्टेंट बनना है, हमको इंपॉर्टेंट बनना है। तो नोट्स बनाते चले। कोई भी डाउट आए, आप पढ़ रहे हो, किसी भी सेकंड कोई भी डाउट आए, मैं हूं, मैं आपको आंसर करूंगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको आंसर करूंगा। पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, लेकिन ऑफलाइन में ना ये चीज लिमिटेड थी, मैं कम स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हो पाता था, इसलिए मैं यूट्यूब में ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों में कनेक्ट हो पाऊं। ठीक है, तो यह है हमारा एम कि हमको इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना है, हमको इंपॉर्टेंट बनना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि यूट्यूब से कैसे पढ़ना है। यूट्यूब खोलो, वीडियो खोलो जो पढ़ना है, उसके बाद कॉपी पेन खोलो और जो है ना नोट्स बनाओ और सीखो, बहुत सारा सीखो। ठीक है, यहां से सीखो, बुक से सीखो, अपने आसपास से सीखो। ठीक है, क्योंकि सीखने की कोई भी लिमिट नहीं है, कहीं से भी सीखो, बट यू हैव टू लर्न। चलो, ये पहला पार्ट हो गया। अब आते हैं ना सेकंड पार्ट में, जो कि है क्वेश्चन। आज ना पसीना दिख रहा होगा चेहरे पे, बड़ी गर्मी है, गर्मी मेरे अंदर भी है और गर्मी जो है ना बाहर भी है, बड़ी गर्मी है, तो पसीना तो जो है ना आ रहा है, देख लो पसीना आ रहा है। चलो खैर, अब आते हैं ना टॉपिक के ऊपर। पढ़ना है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूरे बुक के थ्योरेटिकल क्वेश्चन निकाल के ले आया हूं, यहां से देख लो। ये क्वेश्चन करते करते ना पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन सीधे ये ट्रू और फॉल्स के रूप में, लेकिन ट्रू और फॉल्स आप कब बता पाओगे? जब आपके पास क्या है? कॉन्सेप्ट्स हैं। और कॉन्सेप्ट्स कहां से हैं? जब आपने सीखा है, पिछली वीडियोस देखी हैं, तो आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इनके आंसर आप खुद दो। पहला क्वेश्चन, जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो इसका आंसर तो तब आप दे पाओगे जब आपको यह पता होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है? तो बताओ रेशनल नंबर क्या होता है। अरे ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए और जहां पे क्यू जीरो ना हो, जहां पे क्यू जीरो ना हो, ठीक है ना, जहां पे क्यू जीरो ना हो उसको बोलते हैं क्या? रेशनल नंबर। उसको बोलते हैं क्या? रेशनल नंबर। तो देखो यदि जीरो की बात करें, जीरो के अपॉन में 1 लगा दो, जीरो के अपॉन में 2 लगा दो, जो लगाना है वो लगा दो। अब ये देखो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे पी क्या है? जीरो, पी क्या है? जीरो, और यहाँ पे क्यू क्या है? 1। लेकिन कंडीशन क्या है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो क्यू यहाँ पे जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है? जीरो एक रेशनल नंबर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीरो एक रेशनल नंबर है, जीरो एक रेशनल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो यदि कोई बोले कि जीरो ठीक है रेशनल नंबर है, तो बताओ जरा जीरो नेचुरल नंबर है या नहीं है? तो आप बता दोगे, यदि आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप बता दोगे कि जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो किसमें आता है? होल नंबर में आता है। चलो सेकंड क्वेश्चन, यहां से ना एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कि रेशनल नंबर क्या होता है, पढ़ा पहले चुके हैं, रिवाइज करा रहे हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? बताओ क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? जरा नंबर लाइन देखो, जरा नंबर लाइन देखो, ये है जीरो, ये है जीरो, ये है 1, ये है 2, ये है 3। 1 से लेके यहां तक जितने नंबर हैं ये सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। लेकिन यदि आप जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हो ना, ये क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? होल नंबर। अब जरा क्वेश्चन देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? देखो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो जीरो इंक्लूड है नहीं, होल नंबर में जीरो इंक्लूड है, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होंगे। लेकिन यदि कोई बोले कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, तो बिल्कुल होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल होंगे। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर में जीरो आता है, लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। तो ये क्या पूछ रहा है? एवरी नेचुरल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो आप बताओगे, क्या बताओगे? कि नहीं, कि नहीं, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। एवरी इंटीजर इज होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? अब इसका आंसर कैसे दे पाओगे? जब आपको पता हो इंटीजर क्या होता है, जब आपको पता हो इंटीजर क्या होता है। इंटीजर क्या होता है बताओ, क्या होता है इंटीजर? इंटीजर, अब फिर से नंबर लाइन देखो, फिर से देखो, सारा का सारा फिर से रिवाइज हो रहा है, सारा का सारा फिर से रिवाइज हो रहा है। देखो ये जीरो हो गया, ये 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा। इधर क्या है? -1 -2 -3, ये भी इधर ऐसे चलता रहेगा। इतना है नेचुरल, इतना है होल। लेकिन जब हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर को, तो ये पूरा का पूरा कंबाइंड रूप से क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटीजर। इसका मतलब इंटीजर में क्या आ गया? नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर्स भी आ गए, उसके साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। तो इंटीजर में ये सारी चीज आती है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? देखो इंटीजर तो पूरा इतना है, इंटीजर तो पूरा इतना है। देखो अगर पूरा इंटीजर देखें तो इंटीजर तो पूरा इतना है, उसमें से होल नंबर इतना है, तो मान लो इसमें से होल नंबर इतना है। जरा होल नंबर को ऐसे बना देते हैं। अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है कि क्या सारे इंटीजर होल नंबर है? तो क्या सारे इंटीजर होल नंबर है? नहीं, होल नंबर तो उसका कुछ पार्ट है। तो सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ऐसे जो है ना क्वेश्चन को डीप में जाके उड़ा देना है, बिल्कुल चुटकियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो देखो पहले आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। रेशनल नंबर उनको बोलते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाएं और जहां पे क्यू क्या हो? जीरो ना हो, जहां पे क्यू जीरो ना हो, ठीक है, जहां पे क्यू जीरो ना हो। अब देखो क्या बोल रहा है कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर होंगे, सारे रेशनल नंबर होल नंबर होंगे। होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4, ये होल नंबर होते हैं, ठीक, ये होल नंबर होते हैं। और ये रेशनल भी है क्योंकि इनके अपॉन में 1 है, ठीक है। तो सारे होल नंबर तो रेशनल नंबर हुए, लेकिन क्या सारे रेशनल नंबर होल होते हैं? एक मान लो ये नंबर है 1/2। क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये तो एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये एक होल नंबर नहीं है, ये एक होल नंबर नहीं है। तो ये क्या पूछ रहा है? एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, कि सारे रेशनल नंबर क्या है? होल नंबर है। तो सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है, सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। देखो, अगर यहीं पे स्टेटमेंट को ना चेंज कर देता कि एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर, क्या सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? तब आपका आंसर होता है यस, क्योंकि होल नंबर है, उनके अपॉन में कुछ नहीं है। यदि तो आप 1 लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? एक रेशनल नंबर बन जाएगा। तो यदि स्टेटमेंट को चेंज कर दे तब ये हो जाएगा ट्रू, लेकिन सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो अब आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होता है। तो देखो, रियल नंबर की डेफिनेशन जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो ये मान लो यदि पूरा का पूरा एक रियल नंबर है, ये पूरा का पूरा क्या है? एक रियल नंबर है। तो इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर रेशनल नंबर भी आएगा और इरेशनल नंबर भी आएगा, रेशनल नंबर भी आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। और ये क्या है? बड़ा वाला क्या है? ये क्या है? रियल नंबर है। ये क्या है? रियल नंबर है। ये रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स में रेशनल नंबर भी आएगा, इरेशनल नंबर भी आएगा। अब देखो क्वेश्चन, देखो एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? देखो तो ये रियल नंबर के ये तो अंदर आ रहा है, अरे इसी कटोरी के अंदर ये कटोरी है ना, इसी कटोरी के अंदर ये वाली कटोरी है ना। इसका मतलब क्या है? इरेशनल नंबर बड़े वाले कटोरी के अंदर है ना, तो वो तो होगी ये रियल नंबर। सारे के सारे इरेशनल नंबर तो रियल नंबर होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बड़े वाले कटोरी के अंदर छोटा वाला कटोरा है। तो सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे, सारे के सारे इरेशनल नंबर क्या होंगे? रियल नंबर। तो देखो एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, तो आप बोलोगे जी हाँ ये क्या है? होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने देखो इसमें अल्फाजों को चेंज किया गया है, क्वेश्चन के अल्फाज चेंज हैं। देखो कैसे, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ओ, अब देखो क्वेश्चन कैसे घुमाया है। पहले पूछा था क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, अब ये बोल दिया है कि सारे के सारे रियल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। जरा देखो, एवरी इरेशनल नंबर, ये वाला क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं। क्या ये फॉल्स है? क्या है? फॉल्स। क्यों? क्योंकि रियल नंबर के अंदर रेशनल भी आता है, इरेशनल बस तो आता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होते हैं, इरेशनल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ट्रिकी है। ये क्वेश्चन ना वो वाले कॉन्सेप्ट से है, जब हमने नंबर लाइन में नंबर्स को रिप्रेजेंट किया था, वहां से क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में जितने भी नंबर होंगे वो सब रूट के फॉर्म में लिखे जाएंगे। वो सारे रूट के फॉर्म में लिखे जाएंगे? बिल्कुल नहीं, रूट के फॉर्म में लिखे जाते हैं। √2 होता है, √3 होता है, कोई भी नंबर रूट वाले हैं आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन 1, 2, 3 भी तो होता है जो रूट के फॉर्म में नहीं होते हैं, जो रूट के फॉर्म में नहीं होते। तो जरूरी नहीं है कि सारे नंबर रूट के फॉर्म में ही हो जो आप उसमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। इसका मतलब क्या है? एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m। सारे जरूरी नहीं है कि रूट m के फॉर्म में हो, सारे जरूरी नहीं है कि रूट m के फॉर्म में। कुछ रेशनल भी होंगे, ठीक है, 1, 2, 3, कुछ होल नंबर भी होंगे, ठीक है ना, कुछ रूट m के फॉर्म में भी होंगे, लेकिन सारे के सारे रूट m के फॉर्म में नहीं होंगे। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक, सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, 3 इरेशनल नंबर है। तो ये तो आपको पता ही है, पिछले वीडियोस में कई बार बता चुका हूं कि 3 इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इसका आंसर जो है ना आप ही प्रोवाइड कर देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो गया और सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद भी यदि कोई डाउट आता है कहीं से भी, जितना पढ़ाया है कोई भी डाउट, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।